कैमरा क्यों बात करना चाहती है। और मैं कल ऊपर नहीं गई थी कि फिर मुझे दो चार लोगों ने बोला मैं अब जाना चाहिए करके, ज़्यादा एटीट्यूड भी दिखाओ तो फिर आप भी फंसते हो करके। मैंने बोला नहीं चलिए आपका हम ऑन कैमरा करवाते हैं करके, तो फिर वो आई बात नहीं हो पाई मैं वापस। फिर आपके भी कोई एक पत्रकार से बोला नहीं नहीं ऑन कैमरा बात, मेरे पत्रकारों ने भी मेरा सपोर्ट किया, कौन है मैं नहीं जानता और इतना मैं पहचानती भी नहीं हूँ और इतना कल मेरा दिमाग खा भी नहीं क्योंकि मैं बहुत भूखते तलाक हो गया। जब तलाक की पेशियाँ चल रही है तो क्यों बोला मेरे मिस्टर से, मेरे सामने उसने बात किया तो एक बार बोला उसने 2012 में मेरा तलाक हुआ। ऐसा बोलते ही तो पहले वो बहुत नॉर्मल थी, फिर दोबारा उन्होंने फ़ोन लगाया आपका तलाक कब हुआ, आपको पता ही नहीं क्यों मुझे बेवकूफ़ बना रहे और क्यों इस तरह की हवाबाजी कर रहे। पहले उन्होंने मेरा अपोजिट बात करी। जी मैं हर्षिता पांडे से जी से दिल से मिलना चाहती थी, लेकिन मैं उनसे 100 बार मिल चुकी हूँ और हजारों आवेदन दे चुकी हूँ, व्हाट्सएप पे मेरे कांटेक्ट बने रहते हैं, ईमेल करती हूँ। अभी वो जैसे अंबिकापुर गई थी तो अंबिकापुर गए जाने के बाद भी मैंने उनको SMS किया है कि मैडम प्लीज़ मेरे लिए एक बार IG से बात कर लीजिएगा आप पर्सनल लेवल पर। सारे मैसेज और सारे कन्वर्सेशन जब मैं उनको पास आउट कर रही हूँ तो कल उन्होंने जैसे बोल दिया लोगों को इसने अभी तक आवेदन नहीं दिया है। और ऐसा जब वो झूठ वूठ बोल रही हैं तो मुझे लगा कि अब ऑन कैमरा बात करना चाहिए, ऑफ कैमरा बात नहीं करना चाहिए। और जब 4 साल से मेरा केस रीओपन नहीं कर रही है, खाली मुझे झांसा दे रही है, तो मेरा केस भी रजिस्टर्ड नहीं है। जब केस रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं उसके पास में फिर किस हक से जाऊँ, केस रजिस्टर्ड करे पहले और फिर मैं चली जाती हूँ। कल फिर उन्होंने एक बयान कल मैंने उनका सुना शाम को, वो कह रही हैं कि मनोचिकित्सक का निर्देश दिया गया है। क्या मैं आप लोग सबसे पूछ रही हूँ, कल मेरे से 500 लोगों ने कम से कम बात की है, क्या मैं आपको पागल दिखती हूँ, क्या मनोचिकित्सक की जरूरत है मुझे? और कहती है कि सुरक्षा दिया गया है, मैं तो सुरक्षा का आवेदन आपको अभी 100 आवेदन सुरक्षा के दिखा सकती हूँ जो मैंने महिला आयोग को दिया है, SP कलेक्टर को दिया है, SDM को दिया है, DM को दिया है, मजिस्ट्रेट को दिया है, DJ कोर्ट में दिया है, यहाँ पे भी IG लेवल को दिया है, DGP लेवल को दिया है, कोई मेरी सुनवाई नहीं करता सुरक्षा गार्ड की। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से मुझे सुरक्षा गार्ड मुहैया भी करवाया गया तो उसको वापस बुला लिया गया ये बोल के कि 15 अगस्त की परेड में शामिल है। और झूठ मूठ का मुझ पे आरोप लग रहा है कि मैंने सुरक्षा गार्ड वापस कर दिया, ऐसा ममता शर्मा बोल कैसे सकती है? क्योंकि मेरे पास आवेदन है, उनके महिला आयोग की साइन है जिसमें मैंने आवेदन के तौर पर तुरंत दिया है कि मेरा सुरक्षा गार्ड हटा लिए गए हैं, जो DGP के थ्रू वायन ममता शर्मा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से मुझे सुरक्षा गार्ड मिले। ये क्या है झूठ? मेरे पास इतने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स को देखने के बजाय झूठ का पहाड़ जो मेरे पर टूट रहा है। तो वाकई जैसा SP धमतरी के SP बोलते हैं कि महिला क्षुब्ध है, परेशान है, क्षुब्ध और परेशान वाकई मैं अब हो गई हूँ इन लोगों को झूठ और इस टाइप की प्रताड़ना से। अगला कदम तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे आगे तो अंधेरा ही अंधेरा है, न्याय की उम्मीद में किसके पास करूं? सब आपस में मिले जुले हैं, महिला आयोग SP को बचा रही है, SP महिला आयोग को बचा रहे हैं, पुलिस प्रशासन SP को बचाएगा। मैं तो SP की जांच की मांग कर रही हूं कि SP की जांच हो, जिसने 100% उसने पेपर फेक और झूठ और गलत सलत बना के लोगों को भेज भेज के मेरे सारे केसेस ख़त्म करवा दिए हैं। SP की जाँच कौन करेगा? ये तो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है मेरे लिए भी और शासन प्रशासन के लिए भी। तो शासन प्रशासन चाहेगा सबको ना फंसाते हुए इस महिला की ही इच्छा मृत्यु स्वीकार करो भाई, ये एक जनरल प्रैक्टिकल है। तो मुझे मरने की ही सजा मिल देंगे इन लोग न्याय के बदले, तो मुझे मरना ही पड़ेगा लगता है मुझे। मेरे नहीं, IG का भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। मैं परसों मिलने गई थी उनसे तो 4:30 बजे तक उनकी ऑफिस के बाहर मैंने वेट किया कि वो आ जाएंगे करके, आए नहीं। और उनके लिए मैंने आवेदन बना के रखा था लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। और जो मैंने पहले आवेदन दिया था उन पे अभी तक जांच नहीं हुई। मैंने IG को भी आवेदन दिया है कि SP की जाँच की जाए, जो भ्रमित जानकारी दे दे के मेरे केसेस को बंद करवा रहे हैं, वो क्यों करवा रहे हैं और कितने पैसे लिए
हैं मेरे ससुराल वाले से, कृपया बताइए, क्योंकि बिना पैसा लिए तो इस टाइप के पेपर बन नहीं सकते। मैं तो माइक पे बोल रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, और सारे प्रेस वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस बात को काटिएगा मत, इसको बीप में मत डालिएगा प्लीज। आईजी हिमांशु गुप्ता जी तो अभी तक कुछ बोले नहीं है, ना कोई रिटर्न में दिए हैं, जबकि उनको अब तक दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से मुझे जो सामाजिक हरेसमेंट, पारिवारिक हरेसमेंट हो रहा है, चारित्रिक जो एक बोझ लेके मैं घूम रही हूँ, पता नहीं वो अगर इज्जत वाले हैं, बड़े पोस्ट वाले हैं, तो क्या मुझे वो गिरी हुई औरत समझते हैं। आज मैंने सबको आई जी सबूत